राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता हसन मुशरीफ के मकान पर ईडी का छापा, लोगों का बड़ा आक्रोश। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ के कागल स्थित आवास पर ईडी ने कल सुबह एक बार फिर छापेमारी की है। पिछले डेढ़ महीने में यह दूसरी छापेमारी है। ऐसी आशंका है कि हसन मुशरीफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुबह ईडी के 4 से 5 अधिकारियों ने हसन मुशरीफ के कागल स्थित आवास पर छापा मारा। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी है। ईडी ने समन देकर हसन मुशरीफ को 13 मार्च को तलब किया है। इससे पहले ईडी ने हसन मुशरीफ की अध्यक्षता वाले कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक पर भी छापा मारा था। इस दौरान टीम ने कुछ अहम दस्तावेज भी जब्त किए थे। कुछ ही दिनों में कागल स्थित घर पर एक बार फिर से ईडी का छापा पड़ा है। ऐसे में क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि संताजी घोरपड़े चीनी मिल घोटाले में मुशरीफ के घर पर छापा मारा गया है। इस फैक्ट्री में कोलकाता की फर्जी कंपनियों से 158 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यह पैसा कहां से आया, यह कंपनी कहां है, ईडी के अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। सोमैया ने इस मामले में मुशरीफ के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। महज 15 दिन में टीम ने कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक में भी 2 दिनों तक दस्तावेजों की जांच की थी। इस बीच अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि इस जाँच में क्या निकला, लेकिन 2 दिन पहले जिला बैंक के खातों का ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया। घरावर माझ्या नातेवाईकांच्या घरावर, त्यानंतर माझ्या मुलीच्या घरावर ईडी यांनी छापे घातल्याचे समजते। मी काही कामाच्या निमित्ताने बाहेर असल्यामुळं फक्त दूरध्वनीवरूनही मला बातमी समजली आहे। आणि कारखाना, निवासस्थान, सगळी नातेवाईकांची घरं हे तपासणीचं काम सुरू आहे। सर्व माझ्या कार्यकर्त्यांना माझी विनंती अशी आहे की त्यांनी शांतता ठेवावी। आत्ताच मी प्रसारमाध्यमामध्ये कागल आणि कागदपत्र बंद ठेवण्याची जी घोषणा केली आहे ती कृपया मागे घ्यावी। त्या सरकारी अधिकाऱ्यांना आपण संपूर्णपणानं सहकार्य करावं एवढी विनंती करतो। कुठलाही दंगाधोपा किंवा कायदा सुव्यवस्था अडचण जाईल असं कृती कृत्य माझ्यासाठी आपण करू नये अशी माझी विनंती आहे। यापूर्वी सुद्धा 1-2 वर्षापूर्वी अशा प्रकारचे छापे पडलेले होते। सगळी माहिती केंद्रीय यंत्रणाने घेतलेली होती। पुन्हा कशासाठी हा छापा घालण्यात आलेला आहे याची काही मला माहिती नाही। वास्तविक 30-35 वर्षाचं माझं सार्वजनिक जीवन हे सगळ्या लोकांच्या समोर आहे आणि त्यामुळं 1.5-2 वर्षामध्ये सुद्धा जी कारवाई झाली त्यातून काही निष्पन्न झालं नव्हतं। पुन्हा कुठल्या हेतूनं हा छापा घालण्यात आला हेही समजत नाही। मी सगळी कल्पना घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमासमोर खुलासा करीनच, परंतु तोपर्यंत सर्व कार्यकर्त्यांनी शांततेचं मी आवाहन करतो। 4 दिवसापूर्वी कागल तालुक्याचे एक भारतीय जनता पक्षाचे नेते यांनी दिल्लीमध्ये अनेक वेळा चकरा मारून माझ्यावर कारवाई करावी असे प्रयत्न त्यांनी सुरू ठेवलेले होते। त्यांचे कार्यकर्त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांना अतिशय जबाबदारीने मी सांगतो की त्यांनी सांगितलं होतं की 4 दिवसात मुशरीफांच्यावर ईडीची कारवाई होणार आहे। अशा पद्धतीनं नाउमेद करण्याचं काम
हे जे चाललेलं आहे ते अतिशय गलिच्छ राजकारण आहे। कारण जर आपल्याला राजकारणामध्ये अशा पद्धतीने जर कारवाई होणार असतील तर याचा सर्वत्र निषेधच झाला पाहिजे। पहिल्यांदा नवाब मलिक झाले, आता माझ्यावर कारवाई होणार आहे। आता किरीट समूहामध्ये की असलम शेख म्हणजे विशिष्ट जाती धर्माच्या लोकांना टार्गेट करायचे ठरवले काय अशी शंका मला यामध्ये निर्माण होते।